क्या गाइस आप भी YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं? YouTube से पैसा कमाने के लिए आपको एक चैनल बनाना पड़ेगा। तो चैनल बनाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, आप अपने चैनल के कैटेगरी के हिसाब से आप एक नीच चुनना है, ठीक है। नीच क्या होता है गाइस, आप जिस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे क्या वो नीच आपके लिए क्या लंबे समय तक वो चलेगा, जैसे 6 महीने तक आपके पास कंटेंट होना चाहिए या 3 महीने के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए, क्या आप जो वीडियो दे रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल के बाद भी उस कैटेगरी में आपके लिए क्या कंटेंट रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ आप अपने चैनल के लिए कैसे नीच चुनेंगे। तो चलेगा इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा से कमेंट करना। और डेली शाम के 6 बजे हमारे चैनल में वीडियो पब्लिश होती है। कुछ नया सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप एडिटिंग सीखने का शौक रखते हैं तो हमारे एक चैनल है यूट्यूबर बॉय हेल्प, 1,87,000 सब्सक्राइब है, तो वहाँ आप सीख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके अच्छी अच्छी वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, या लास्ट में एक हमारी वीडियो आएगी एंड स्क्रीन में, वहाँ से आप क्लिक करके आप हमारे चैनल में जा सकते हैं, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप हमारे दूसरे चैनल में जा सकते हैं। तो चलेगा इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं आप कौन से नीच आपको चुनना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो काम आपको करने में अच्छा लगे, आपका मन कहे, आपका दिल कहे, वही काम को लेकर आप अपना एक चैनल ओपन कीजिए। वही काम को आप वीडियो शूट करते रहिए, काम करते रहिए, एडिटिंग करके आप डाल कर महीने का 20 या 30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। मैं 1,00,000 रुपये क्यों नहीं बोला, सारे यूट्यूबर तो बोलते हैं 1,00,000 रुपये कमाइएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप शुरुआत करेंगे, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आप 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 कमाएंगे, तो आपके सब्सक्राइब ढेर सारे हो जाएंगे, तो आप 1,00,000 भी कमा सकते हैं, 2,00,000 भी कमा सकते हैं, 10,00,000 भी कमा सकते हैं। तो लेकिन आपकी शुरुआत होगी 5,000, 4,000, 8,000, 10,000 से होगी। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ नीच के बारे में बताने वाला हूँ। ये हमारी कोर्स की 3री वीडियो है। तो इस चैनल पे आपको YouTube का कंप्लीट कोर्स देने वाला हूँ। YouTube का कंप्लीट कोर्स ख़त्म करने के बाद आपको Facebook का कंप्लीट कोर्स दूंगा। Facebook में भी आप पैसा कमा सकते हैं, Facebook का बहुत सारा तरीका है। चलिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन सी नीच चुनना चाहिए। चैनल के लिए सही नीच चुनना एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह आपके चैनल की सफलता और आपकी दर्शकों की संख्या को प्रभावित करेगा। गाइस आपके अंदर किसी विषय के प्रति जुनून है तो आप उसे बेहतर तरीके से पेश कर पाएंगे। जैसे अगर आपको गेम खेलना पसंद है तो आप गेम के ऊपर एक अपना चैनल बना सकते हैं, गेम खेलना, वीडियो अपलोड कर देना है। अगर गाइस आपको खाना बनाने का शौक़ है तो आप एक कुकिंग आप अपना एक चैनल ओपन कर लीजिए, जो चीज़ आप बना रहे हैं उस चीज़ का वीडियो बना के ये बताना ये चीज़ आप कैसे बनाना है। जैसे आप पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं तो पनीर में कौन कौन सा मसाला डालना है, तो ये सब मसाले के नाम बता के और बनाने के बाद आप उसे दिखा सकते हैं, ये देखिए पनीर बन के एकदम तैयार हो गई है। तो घूमना पसंद है तो आप एक ब्लॉग चैनल ओपन कर सकते हैं, आप घूमते रहिए, वीडियो बना के आप डाल सकते हैं, आप अच्छा खासा सब्सक्राइब और व्यूज आता है ब्लॉग चैनल पे। गैस अगर आपको पढ़ाने का शौक़ है तो आप एक एजुकेशन चैनल खोल सकते हैं। गैस अगर आपको कुछ सिखाना है, जैसे वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग में अगर आप शौक है आपका, अगर फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग आपको पसंद है तो आप एक एडिटिंग का चैनल ओपन कर लीजिएगा, आप एडिटिंग सिखाइएगा, एडिटिंग में बहुत सारा पैसा है। जैसे हमारा एक चैनल देखेंगे यूट्यूबर बॉय हेल्प, 1,87,000 एक साल में सब्सक्राइब हो गया है, अच्छा खासा अर्निंग हो रही है। वैसे अगर आप फिटनेस से रिलेटेड अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो बना के डाल सकते हैं। टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर वीडियो बनाना चाहते हैं, जैसे आप हमारी देख रहे होंगे वीडियो आशा टेक फाउंडेशन चैनल पे, जैसे मैं यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम की टिप्स दे रहा हूँ आप लोगों को कैसे पैसा कमाया जाता है, तो आप एक टेक चैनल ओपन कर लीजिएगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो मैं अब आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जो चीज़ कर रहे हैं क्या उसके लिए आपके पास कंटेंट है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ, आप अगर एक नए यूट्यूबर हैं तो आपको अपने चैनल के लिए कौन से नीच चुनना चाहिए जिसमें आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं। नहीं ऐसा होता है कि आप थंबनेल में किसी के देखें कि महीने का 1,00,000 रुपये कमाइएगा, वो 1,00,000 रुपये है, देख के आप अपना चैनल मत बनाना। सबसे पहले आप ये सोचिए कि जिस नीच पर हम अपने वीडियो बनाना चाहते हैं या वो चीज़ को हम लंबे समय तक ले जा पाएंगे। गाइस 20-30 वीडियो बनाने से क्या चैनल ग्रो हो जाएगा? नहीं, चैनल अगर ग्रो भी हो जाता है तो क्या करोगे 20-30 वीडियो बना के? ये ज़माने में रोज़ कुछ नया सीखने के लोग यूट्यूब पे आते हैं, अगर आप कुछ नया नहीं सिखाएंगे तो जो आपके सब्सक्राइब हो जाएंगे आपको अनसब्सक्राइब करके किसी दूसरे के चैनल में चले जाएंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कैटेगरी में काम करना चाहिए आपको जिसमें आपका कंटेंट कभी ना ख़त्म हो। जैसे अगर आप एजुकेशन चैनल बनाते हैं तो इसका कंटेंट कभी नहीं ख़त्म होगा, तो इसमें आप डेली पार्ट बाई पार्ट वीडियो बना सकते हैं। जैसे आप क्लास 9 के मैथ पढ़ा रहे हैं
क्लास 9 की मैथ खत्म करने के बाद आप क्लास 10 की मैथ पढ़ा दीजिए, 10 की खत्म हो गई तो आप 11 पढ़ा दीजिए, फिर 12 पढ़ा दीजिए, फिर 20 पढ़ा दीजिए, फिर आप तैयारी करा सकते हैं किसी भी चीज़ की। तो ये क्या होता है, एजुकेशन चैनल का कभी भी कंटेंट ख़त्म नहीं होता। अगर आपको पसंद नहीं पढ़ाना तो मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप वीडियो एडिटिंग के ऊपर चैनल बना लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताता हूँ। रोज़ सारे नए नए यूट्यूबर आते हैं तो उनको तो वीडियो एडिटिंग सीखना ही पड़ेगा, आपसे सीखें या किसी और से सीखेंगे। लेकिन आप जब वीडियो डालेंगे अपने चैनल पे, जब आपके चैनल में वीडियो एडिटिंग के वीडियो आप डालना चालू करेंगे तो लोग जब सर्च करेंगे, जब आपकी वीडियो उनके पास जाएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक करेंगे, आप भी वीडियो एडिटिंग का चैनल से आप 40-50 हज़ार महीने कमा सकते हैं और ज़्यादा भी कमा सकते हैं। तो देखिए वीडियो एडिटिंग का कंटेंट कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। जैसे अगर आप VN यूज़ कर रहे हैं तो VN के बता दीजिए, पूरा टूल बता दीजिए। काइन मास्टर अगर यूज कर रहे हैं तो काइन मास्टर के ऊपर पूरा चीज़ बता दीजिए, फिर कैपकट के बारे में बता दीजिए, शॉर्ट एप्लीकेशन के बारे में आप बता सकते हैं। तो वीडियो एडिटिंग क्या होता है, लाइव में कभी ख़त्म नहीं होगा, आपकी वीडियो जो बनाएंगे लंबे समय तक देखी जाएगी। अगर आप आज काइन मास्टर के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो जितने लोग चाहे आज सर्च करेंगे तो भी आपकी वीडियो आएगी, या 10 साल बाद अगर कोई काइन मास्टर से कैसे वीडियो एडिटिंग करें अगर आप ये टाइटल दिया होगा तो आपकी वीडियो भी उनके पास आएगी और लोग आपकी वीडियो को देखेंगे। तो ये दो चीज़ है। हाँ, और एक चीज़ और जान लीजिए, ब्लॉग चैनल आप ओपन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको कहीं जाना ही पड़ेगा तो आप वहाँ वीडियो शूट कर लीजिए, वीडियो एडिटिंग करके आप उसे डाल सकते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, आप भी अपने सोच सकते हैं। तो मैं एजुकेशन चैनल, वीडियो एडिटिंग चैनल, हाँ, और टेक से रिलेटेड अगर आप वीडियो बनाते हैं जैसे मैं बना रहा हूँ, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से आप कैसे पैसा कमाएंगे। फेसबुक से डेली ना कोई पॉलिसी तो आती रहती है, यूट्यूब पे कोई ना कोई अपडेट आता रहता है, तो आप इसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं। तो ये सारे चैनल की कभी भी कंटेंट ख़त्म नहीं होते हैं। अगर आप फिटनेस के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो 20-30-50 वीडियो बनाएंगे, फिर उसके बाद आपको क्या होगा, कंटेंट ख़त्म हो जाएगा। तो आप सोचेंगे क्या करूँ, किसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। जब आप अपने चैनल कैटेगरी चेंज करेंगे या नीश चेंज करेंगे तो आपका चैनल वहाँ डेड हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आप जब चैनल ओपन करने से पहले आप ये सोच लेना आपको कि जो मैं काम करूँगा क्या लंबे समय तक ये मेरे पास रहेगा। 6 महीने कम से कम मिले कि चलता हूँ, 6 महीने, 1 साल 2 साल के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। चीज़ और आपको ध्यान रखना चाहिए, ट्रेंडिंग टॉपिक पे आपको ज़्यादा वीडियो बनाना चाहिए। अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन हाँ, अपने नीश से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मार्केट में क्या ट्रेंड कर रहा है तो आप उस पर वीडियो बना देंगे तो आपके चैनल में व्यूज और सब्सक्राइब वॉच टाइम बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, आपका चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन गाइस, आप अपने नीश को नहीं छोड़ना है। गाइस, इस वीडियो में आप जान गए होंगे कि कौन से नीश पे आपको काम करना चाहिए। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा से कमेंट करना, और शाम के डेली 6 बजे नई वीडियो देखने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलूंगा गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।